जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार। जनपद लखीमपुर में संविधान दिवस मनाया गया। आपको बताते चलें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु चौधरी बनारस विश्वविद्यालय बनारस रही उपस्थित। विशेष अतिथि के तौर पर डॉक्टर मिलिंद राज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ रहे उपस्थित। हजारों की संख्या में दलित पैंथर के कार्यकर्ता व पदाधिकारी रहे मौजूद। आपको बताते चलें कि आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाकर संविधान सभा को किया था अर्पित। बाबा साहब ने बताया था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको चलाने वाले सही लोग नहीं होंगे तो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। आपको बताते चलें कि संविधान की वजह से भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिल सका। आइए देखते हैं। ये पूरे विश्व का सबसे लचीला भी संविधान है, जिसको समय समय पर अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसमें संशोधन किए जाते हैं। ऐसा संविधान पूरे विश्व में कोई भी नहीं है। हमारा एक संविधान जो है वो समझिए कि पूरे विश्व का एक ऐसा ग्रंथ है जो कि प्रत्येक देश में लोग उसकी तारीफ करते हैं, चर्चा करते हैं। और भारत देश में ये मान के चलिए कि कुछ कारणों से सही भले पालन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितना पालन हुआ उसकी वजह से भारत में एक बहुत एक अखंडता को जो उसने पिरो के रखा है लोगों को एक सूत्र में, तो हम ऐसे संविधान को आज के दिन नमन करते हैं। बहन जी एक और प्रश्न है, कल मछली शहर में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई, उससे पहले सीतापुर में भी दो दिन पहले मूर्ति तोड़ी गई, इसके उपलक्ष्य से जो तोड़ी जा रही है, मुझे ये लगता है कि आप बिना निवेदन किया जाता है कि जिस क्षेत्र से आप एक मूर्ति तोड़ोगे 10 ट्राली ट्रैक्टर आया हुआ है, कभी लोग जागरूक नहीं रहते मूर्ति तोड़ने पे, अपने अपने साथियों को साथ में लेकर जाए। घटनाएं जो है अब जो बढ़ रही है धीरे धीरे करके, इससे समाज में बहुत चेतना आ रही है। तो अभी तक तो मान्यवर साहब ने मूर्ति लगाने के लिए एक आंदोलन किया, तो ये जो मूर्तियाँ टूट रही हैं इससे एक नया आक्रोश जो लोगों में पैदा हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं एक जो संघर्ष वाला जो बाबा साहब ने नारा दिया शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित रहो, तो संगठित भी लोग हो रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव इसको साइन में हम लोग लें कि आप मूर्ति तोड़ सकते हो, बाबा साहब के विचार को कभी तोड़ नहीं पाओ। 2022 में क्या बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी? देखिए पार्टी किसकी सरकार बनेगी पार्टी वालों से पूछिए, हम तो वोटर हैं, हम तो लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि अपने वोट किसी भी कीमत पे बेचिए नहीं, अपने दिल दिमाग को खोल करके और अपना वोट का सही उपयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए, जिससे बहुजन समाज का ज्यादा से ज्यादा जो है भला हो सके, आपका मान सम्मान बना रह सके और हमारे भारत के संविधान की रक्षा हो सके। भारत के संविधान हमारी बेटियों की इज्जत से ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संविधान जिंदा रहेगा हमारे बेटियों का ही नहीं, आपका और हमारा, हम सब का मान सम्मान जो है वो जीवित रहेगा। तो मैं अभी बात खत्म कर दूँ। ये बात को समझिए कि भारत, मैं एक छोटी सी बात लिखी लाई थी वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं राजनीति में सुख भोगने, जैसे ये भैया है ना मनोज, क्या आप सिर्फ धन, मुझे बहुत उन्होंने फेसबुक पे उल्टा सीधा आइडिया ले लिखा, ये केवल मनोज आपके लिए नहीं, जहाँ पे भी कार्यक्रम करने नई जगह जाते हैं तो ऐसे उल्टे सीधे बातें लोग कहते रहते हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं राजनीति में आया, मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, नहीं वो किसी और बोल, अभी बहुत टाइम हो जाएगा बेचारे सबको घर जाना, वो टेंट वाला बेचारा किसी लपेट के लिए परेशान। भारत का संविधान, बाबा साहब ने कहा कि मैं एमपी बना, सांसद बना, तो मैं राजनीति में सुख भोगने के लिए नहीं आया, मैं अपने समाज के दबे कुचले लोगों को आप ही सम्मान जगाने के लिए आया, उनको अधिकार दिलाने के लिए आया। यही काम साहब कांसीराम ने किया। साहब कांसीराम कई कई दिन तक भूखा प्यासा रहते थे, साइकिल घूमते थे, खाने के लिए पीने के लिए पैसा नहीं होता, कई कई बार जेब में एक रुपया नहीं होता था, दो दो दिन तक बिना खाए पिए रह जाते थे, खाली पानी पी पी के काम चलाते थे। साहब कांसीराम ने भी उस काम को पूरा किया, लेकिन अगर आप नजर उठा के देख लीजिए तो क्या आपको आज बहुजन समाज में कोई भी ऐसा लीडर नजर आता है जो समाज के लिए त्याग करने के लिए तैयार है? अगर नहीं तो साहब कांसीराम की विचारधारा को दिमाग में रख करके आने वाला जो चुनाव है ना 2022 का चुनाव, वो चुनाव नहीं है, वो मनुस्मृति बना संविधानवाद का एक लड़ाई है, वो लड़ाई जो कहती है कि छुआछूत रहना चाहिए और ये कह रहा है कि छुआ
में पहुंच रहा है हमको इस बात का आभास नहीं है। भारत का संविधान एक संविधान नहीं, बाबा साहब ने इसको कहा कि ये साधारण नहीं है, ये भारत का संविधान एक वकीलों का दस्तावेज नहीं है। भारत का संविधान हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, इस मान सम्मान को बनाए रखने के लिए ये बात है कि संविधान में हर व्यक्ति समान है, हमारी शान है संविधान में, सभी को अधिकार और सबका मान सम्मान है। संविधान में ही भगवान बुद्ध और बाबा भीम महान है। भारत के संविधान का जो भारत के संविधान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। 2022 के चुनाव में ध्यान रखिएगा आपका मान सम्मान किसकी वजह से जिंदा है। जब तक साहब कांशीराम जिंदा है आपकी पूछ हो रही है, आपके बाल आ रहे हैं। और वो मनोज भैया ऐसे ही करते ना, ताकि गोर धरा था वोट हमें दिया, ऐसे बोलते हैं ना, आज ही गोर धरा नहीं वोट हमें के दिया। ऊंची जाति का व्यक्ति भी आकर के आपका गोर धर रहा है, ये भारत के संविधान की देन है। और उसके बाद साहब कांशीराम के वोट के अधिकार की देन है, जो चेतना उन्होंने हमारे अंदर पैदा की। तो मैं इन्हीं सारी बातों के साथ में आपको बस इतना कहूंगी कि 22 के इलेक्शन में किसी के भी कहने में आपको आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दिमाग में रखिएगा, कभी लखनऊ चले जाइए, कभी नोएडा घूम करके आ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहां तो लाइटें तक बंद कर दी है, बाबा साहब की जगह जगह मूर्ति तोड़ी जा रही है, बाबा साहब के पार्कों पे जगह जगह एंक्रोचमेंट हो रहा है। जब न्यूज पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, इतना भय तो जीते जी शायद बाबा साहब का नहीं था जितना मरने के बाद में। सोचिए मरने के बाद में भी बाबा साहब इनको डरा रहे हैं कि ये बाबा साहब की मूर्ति तोड़ रहे हैं, बाबा साहब के पार्क पे कब्जा कर रहे हैं, और उसके बाद उसमें कील ठोकने का काम बाबा साहब के संविधान ने किया, तो अब वो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया ने कहा ना, भले जान चली जाए लेकिन भारत का संविधान किसी भी कीमत पे खत्म नहीं होना चाहिए। यही मंगल कामना के साथ में आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशल धन्यवाद मनोज भाई आपकी पूरी टीम को, भारतीय दलित पैंथर को। ये पैंथर जो होता है ना, वो शेर और चीता से भी ज्यादा तेज भागता है, पैंथर जो होता है। इसीलिए दलित पैंथर की जब स्थापना की गई थी, आज तो तमाम संगठन बन गए, लेकिन अगर युवा बच्चों ने, मनोज जैसे युवा भाई ने इस भीड़े को उठाया है कि एक भारतीय दलित पैंथर जैसे संगठन की राष्ट्रीय संगठन, राम ने दिया है न सिकंदर ने दिया है, जो कुछ दिया वो बाबा अम्बेडकर ने दिया है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय कांशीराम। अब मैं एक बात और मेरे फेसबुक धन्यवाद Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद।